गैस की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि, मधेश में बढ़ती महंगाई को साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक बिंदु मंडल ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में सभी जिला में हम लोगों का एक कार्यक्रम तय रखा गया है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। ये AICC से प्रायोजित कार्यक्रम है, आज उसी के तहत हमारे जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय में लिए हम लोगों ने बैठक आहूत करवाया। सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों ने 2014 में इस भाजपा सरकार को लाए, इसलिए लाए कि उस समय 45 रुपया हमारा डीजल पेट्रोल डीजल का दाम 45 रुपया था और 55 रुपया के करीब हमारे पेट्रोल के दाम थे। उस समय इसी मोदी सरकार का एक नारा आया था कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की दाम, इस बार मोदी की सरकार। लेकिन 6 साल हुए हैं मात्र, अभी आपका 100 रुपये के पार पेट्रोल के दाम हो गए, 90 रुपया डीजल हो गया। तो ये जो महंगाई है ये किसकी मार है? जब UPA 1 UPA 2 थी तो उस समय तेल के दाम इतने नहीं बढ़े थे, क्योंकि हमारा जो बजट था ONGC का उसको मैंने सबसे अधिक डाला था, 33,500 3,200 का आ गया। जब घर में पेट्रोल या डीजल बनाने वाले पर ही बजट का प्रावधान नहीं होगा तो तेल सस्ते कैसे होंगे? और तेल तो आसमान छुआ, रसोई गैस, मैं महिला हूँ, उसकी मार हमारे चूल्हे पर पड़ती है, क्योंकि जैसे डीजल का दाम बढ़ेगा कैरी चार्ज अधिक होंगे, कैरी चार्ज अधिक होंगे तो हमारा जो रसोई का काम है वो महंगा होगा, प्याज लहसुन और जो दाल है जो भी सामान है हमारे मुँह में। इसलिए आज हम लोग मोदी सरकार को इस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपने कहा था कि सारे दुख दूर कर देंगे जो हमें कांग्रेस ने दी है, आज हम बताने आए हैं कि उस दुख से निजात तो मिला नहीं और ऐसे होगी कि हम हलकान हो गए। इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष को एक कार्यक्रम दिया गया है कि आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, आपको ब्रीफ किया, कल ये मसाल जरूर निकालेंगे और 27 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक हमारा धरना का कार्यक्रम होगा और इसी ही मोदी सरकार को हम घेरेंगे और पत्रकार भाइयों से लेकर आम जनता को इससे निजात दिलाएंगे, क्योंकि आप कोई साइकिल से हमारे पास नहीं आइएगा, मोटरसाइकिल से ही आनी पड़ेगी हमारे पास, और मोटरसाइकिल में तो हम डालेंगे पेट्रोल, तो इससे कौन निजात दिलाएगा? जब तक सरकार कल्याणकारी नहीं होगी, हम लोग जानते थे कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो लोक कल्याणकारी है और ये तो बनिया की सरकार है। हम अब इसे आवाम को बताना चाहते हैं कि अगर इसे निजात पानी है तो आपको अब संगठित होना पड़ेगा और इसके मोहजाल से दूर होना।